नमस्कार। सो बेसिकली एमडीएससी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और शायद इसी तरीके से मैं आपको समझा पाऊंगा। फिर से आई ऑलवेज से कि जो कॉमन थिंग्स हैं मैं आपको बता देता हूँ, और कभी कभार ये वीडियो हमारे क्लाइंट से भी काम आते हैं। तो एनटीए काम का काम होता है पेपर कराना। नीट पीजी आपको पता है कैंसिल हो चुका है, बट दैट इज सॉरी पोस्टपोन हो चुका है, बट दैट इज फॉर पीजी सीट्स ऑफ एमबीबीएस, एमडीएमएस, डीएमबी, राइट। एमडीएस का पेपर अलग था जो बड़े सक्सेसफुली 2 महीने पहले हो चुका। अब प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, देखिए। और यही मेन वेबसाइट है जो एमसीसी है, जो मैं समझाता हूँ आप लोगों की हिंदुस्तान में जब 25 से करीब काउंसलिंग होगी तो उसमें से एक काउंसलिंग है जो एमसीसी कराती है। इसका नाम है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, और ये बेसिकली गवर्नमेंट की बॉडी है जिसका काम होता है कि जो एम चूंकि नाम ही एमसीसी है, से मैं आप मेरे वीडियोज में बार बार सुनते हो एमसीसी वाली डीम्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं बार बार आपको समझाता हूँ डीम्ड तो बहुत सारी हैं। वो यूनिवर्सिटी जो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल फॉलो करती है, जहाँ कोई स्टेट कोटा, कोई स्टेट फीस नहीं होती, वो इसके अंडर आती है। क्योंकि यूजी मेडिकल होता है, जब ये पटल खोलेंगे तो हमारा काम होगा एमबीबीएस वालों का। इस पर बाद में आऊंगा, पहले वो दिखा दो ताकि आपको आइडिया लगे। तो ठीक है, ये पोर्टल आ गया। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप ये होता कैसे है। एमसीसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ गया, राइट। ऐसा ही इंफॉर्मेशन बुलेटिन एमबीबीएस के लिए आएगा, एमडी के लिए आएगा, और सिर्फ एमसीसी नहीं, ऐसा ही हर काउंसलिंग देगी। दैट मीन्स मध्य प्रदेश की काउंसलिंग है वो निकालेगी ब्रोशर, राजस्थान की है वो निकालेगी, हरियाणा की है वो निकालेगी, और आपको सारी जानकारी देगी। फिलहाल ये खास काम, इसमें आपको पता होता है क्या रूल्स हैं, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, मॉप अप राउंड होगा, या जैसे अगर एमडीएस की मैं बात देखूं तो राउंड 3 लिखा हुआ है। दैट मीन्स एमडीएस के ब्रोशर को देख के लग रहा है कि हम सेम फॉलो करेंगे एमबीबीएस में, तो राउंड 2 के बाद मॉपअप नहीं, राउंड 3 होगा। अब आप में से कई लोग मेरे पास आते हैं, शब्द बोलते हैं मॉपअप। मैं कहता हूँ सर मॉपअप शब्द तो खत्म भी हो चुका ना, मॉपअप शब्द तो 2022 तक था, 2023 में मॉपअप शब्द ही खत्म हो गया। राउंड 3 और उसके बाद सीधा स्ट्रे राउंड, और बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी तो स्पेशल स्ट्रे जो लास्ट ईयर हुआ। तो इस ब्रोशर से आपको फिलहाल ये पता चल गया कि शायद हमारा राउंड 2 टू 3 अपग्रेड होगा, और जिसकी वजह से बहुत ब्यूटीफुल एमबीबीएस की स्ट्रेटजी बन जाती है, स्पेशली बोथ फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कैंडिडेट्स। ओके, वो आप मेरे लास्ट ईयर के वीडियोस देख सकते हैं। एक बार एमबीबीएस का आ जाएगा दोबारा से तो मैं दोबारा बना दूंगा, नहीं तो आपको सेम टाइम लास्ट ईयर में वो मिल जाएगा कि हाउ यू कैन गो अबाउट। क्लियर हुआ? तो देखिए अब फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड है ना। अब मोपा वर्ल्ड हट गया, फिलहाल इसको बंद करते हैं। ये देखिए टेंटेटिव शेड्यूल, तो आज चूंकि निकाला है तो उन्होंने बोला है कि हम रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं 1 से 7 जुलाई। तो फिर कई लोग मुझसे पूछते हैं सर प्रोसेस कैसे फॉलो होती है। एक्चुअली मैं आपको लास्ट ईयर का दिखाता ही हूँ ब्रोशर, लेकिन वो देख के ना हमेशा लगता है सेम एमबीबीएस का था, ये है 2023 का, सच बताऊँ। लेकिन आपको लगता है कि पता नहीं सर पुराना दिखा रहे हैं, असली है कि नहीं है, इसलिए सबकी, आप मुझे पता है कि आप बहुत फ्रॉडस्टर से मिलते हो, तो बेचारे आपकी भी कोई गलती नहीं है। तो फिर से इस समय मैं लाइव वेबसाइट पे हूँ, आप खुद खोल सकते हैं mcc.nic.in, उसके ऊपर एमडीएस दिख रहा है। क्योंकि तो एमडीएस के इस साल क्या आ चुके हैं ना, लास्ट ये इसमें आपको नहीं दिख रहे हैं, बस इसमें भी आप जाओगे तो ब्रोशर तो आपको देखो नजर आ ही रहा है, लास्ट ईयर का भी, एमसीसी का भी, जिसमें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 था और मॉप अप वर्ल्ड हट गया था। ये भी बड़ा जरूरी है वैसे, इसको खोल ही लेते हैं। इसमें ना 13वां पेज पर नजर मार लो कि एनआरआई का रूल क्या होता है। जब हम एमसीसी वाली वो ले रहे हैं सीट, ठीक है ना, तो एक बार बार एक शब्द आता है रिलेशनशिप ऑफ एनआरआई विद कैंडिडेट इज एज पर, चलो पहले ना उस पर, रियली सॉरी, पहले उस पर चलते हैं जो हम बात कर रहे थे। तो इस तरह से ना शेड्यूल आता है, और शेड्यूल में आप देखो 4 चीज होती है। पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, चॉइस फिलिंग मिलती है, रिजल्ट आता है, और फिर आपको 5 से 6 दिन मिलता है ज्वाइन करने का। तो एक राउंड है वो तकरीबन 18 से 20 दिन चला टोटल, देखा आपने। अब राउंड 2 में आपको देखिए गैप होगा, अगर राउंड 1 19 जुलाई को खत्म हो रहा है एमडीएस का, तो राउंड 2 टेक्निकली तो उन्होंने सेम डे पे शुरू कर दिया है 22 से 28, और इसके बीच में स्टेट्स चालू हो जाएंगे। देखिए ये सेम एमसीसी निकालेगा एमबीबीएस के लिए। तो ऑल इंडिया डीम्ड वाली काउंसलिंग जो चल रही है, उन्होंने बोला कि राउंड 1 हम कह रहे हैं 1 से 10 जुलाई, खत्म करो 19 जुलाई तक रिपोर्टिंग, स्टेट शुरू कर दिया 10 से 20 जुलाई, ताकि आप रिजल्ट देख सकें और स्टेट का, फिर आप सोच सके कि मैं स्टेट को ज्वाइन करूं कि मैं इसको ज्वाइन करूं। तो दे ट्राई टू हैव सम बिट ऑफ ओवरलैप।
और फिर ये डेटा आपस में शेयर किया जा रहा है ताकि वही जो सीड वेस्टेज है वो कम हो जाए। तो ऐसा एक MBBS के लिए भी आता है। तो इससे आपको मोटा मोटी आइडिया लग रहा है कि सेंट्रल और स्टेट कैसे चलेंगे। ठीक है, ये सब इस साल की आपको लाइव दिखा रहा हूँ। अब हमारा ये काम तो खत्म हो गया, तो आपने देख लिया ये MDS का ऐसे हमारा आएगा, ये MDS का शेड्यूल ऐसे हमारा आएगा। देखिए, जैसे मैं आप लोगों को हमेशा समझाता हूँ, खासकर जो आपके MBBS लोग जो PG के बारे में सोच रहे होते हैं कि PG में ना ऑल इंडिया कोटा सरकारी कॉलेज में 50% हो जाता है, राइट? तो फिर बहुत ज़्यादा PG का फैक्टर है नहीं अपनी MBBS स्टेट चूज करने के लिए, उसको बंद कर देते हैं। अब आ जाते हैं अपना नॉर्मल, हमने पेज क्यों खोला हुआ है, MDS को भी छोड़ो। ठीक, अब जो मैं आपको कहना चाह रहा था, ये होता है कि हाउ डू यू डिफाइन NRI रिलेशनशिप, राइट? अब रिलेशनशिप ऑफ NRI विद द कैंडिडेट एज पर द कोर्ट ऑर्डर्स, अब मैंने ना गूगल गूगल करा, ठीक, ताकि आप सामने करता हूँ, कहीं कोई डाउट ना रहे, तभी खोलेंगे इसको। आप गूगल कीजिए, पर सबसे ऊपर ये ऑर्डर आ जाता है, उस ऑर्डर में क्लियरली लिखा हुआ है कि हाउ डू डिफाइन रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप ये रही, ये रही, रियल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ फादर, दैट मीन्स सगा ताऊ चाचा बुआ, रियल ब्रदर सिस्टर ऑफ मदर, मतलब ये सगी मौसी और मामा, फादर एंड मदर ऑफ फादर बेसिकली दादा दादी, फादर मदर ऑफ मदर नाना नानी, फर्स्ट डिग्री पैटर्नल एंड मैटर्नल कजन्स। अब फर्स्ट डिग्री का मतलब यही होता है कि ये जो थे ना चाचा बुआ, इनके बच्चे, इसी को फर्स्ट डिग्री हम बोलते हैं। सच पर्सन शुड बी NRI ऑर्डरली स्टेइंग इन द NRI, ये हो गया NRI की डेफिनेशन। और जस्ट टू शो यू, एक अच्छा कॉलेज है उसी 51 की लिस्ट में जो MCC के अंदर आते हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है, इसका नाम है कृष्णा इंस्टीट्यूट कराट। मैंने कृष्णा इंस्टीट्यूट कराट की वेबसाइट खोल रखी है और सेम उन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, वही ऑर्डर मेंशन है। ठीक, तो भाई ये जो 51 कॉलेज हैं जिसमें मुलाना, अमृता फरीदाबाद, संतोष, JLN बेलागावी, JSS मैसूर, कस्तूरबा के तीनों कैंपस, DY पाटिल, सबकी NRI सीट्स इस रूल को फॉलो करती हैं, और 2023 से तो बहुत सख्ती से कर रही हैं। अब जो हमें फ़ोन आते हैं, हम ये सब बता देते हैं, सारे डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, फिर बच्चा कहता है सर कोई और एजेंट तो कह रहा है कि सर मैं मैनेज कर दूंगा। मैं कहा यही फ़र्क है ना, हम कंसल्टेंट हैं तो हम सच बता रहे हैं, अब मैनेज कैसे करोगे। अब चलते हैं वापस से MCC की वेबसाइट पे। जब काउंसलिंग होगी तो आप जो डॉक्यूमेंट है ना वो चढ़ाओगे, जब अब जो लिखा था रजिस्ट्रेशन, उसके बाद ना ये देखो, ये लास्ट ईयर की बात है, बाकायदा वहाँ से लिस्ट आती है कि किन लोगों की, क्योंकि बाई चांस कुछ कुछ अभी तक तो बची हुई है, राइट? वहाँ से लिस्ट आती है कि कौन कौन अप्रूव हो गया, मतलब आपने NRI डाला तो कौन था जिसकी लिस्ट अप्रूव हो गई, जिसका NRI का पेपर अप्रूव कर दिया गया। तो पहले नोटिस आया था, हर बार आपको होता था, आप काउंसलिंग में ना शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि मैं इंडियन काउंसलिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ और फिर मैं चेंज होके बन गया NRI राउंड 3 में 4 में। स्पॉन्सर की बात कर रहे हैं हम, जो बच्चा ही NRI था जिसने बाहर से पेपर दिया था वो तो काउंसलिंग एज NRI करेगा ना, सेम इन्होंने भी कोर्ट ऑर्डर चिपका रखा है, ये सब हम ऑफिशियल वेबसाइट से देख रहे हैं। मैं वो दे रहा हूँ कि इन्होंने लिखा हुआ था कि नोटिस, तो नोटिस था, एक लिस्ट भी लिखी हुई डाली हुई थी उन्होंने कि कौन लोग हैं जिनका NRI डॉक्यूमेंट अप्रूव किया गया। तो जब रजिस्ट्रेशन था, जो हमने वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखा था 10 दिन जो थे, उसमें जब आपने आपको NRI रजिस्ट्रेशन करा ना, तो ये जो सरकारी बॉडी है MCC, जिससे कोई बात नहीं कर सकता, वो आपका पेपर चेक करती है, और वही जो रिलेशनशिप हमने मेंशन करा, तो अभी किसी का क्या कंट्रोल होगा MCC पे भगवान जाने। और फिर मैं आपको लास्ट में बात बताऊं, जब आप इतने पैसे खर्च कर ही रहे हो, तो मैं हमेशा कहता हूँ इंडिया में कोई सीट की कमी थोड़ी ना है आपको। हाँ बिल्कुल, ये आपको दिमाग में बैठा हुआ कि नॉर्थ का रहने वाला हूँ, मुलाना में ही पढ़ाना है, और ये फर्स्ट डिग्री NRI भी नहीं है, तो मैं जुगाड़ से कर लेता हूँ, तो वो आपकी जिद है, वो आपकी मजबूरी है कि आप बच्चे को दूर नहीं भेजना पाते, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं डालूंगा, बट फिर भी आप एक लाइफ टाइम का रिस्क ले रहे हैं। जब आप नॉर्थ के रहने वाले कर्नाटका भेज रहे हो, महाराष्ट्र भेज रहे हो, ये वाले कागज बनवा के, तो अरे और बहुत सारे कॉलेज हैं, आप कर्नाटका स्टेट के कॉलेज ले लो, BGS, सप्तागिरी, अम्बेडकर, एक्सेट्रा सेट्रा, सेम बजट में, उसमें तो ये सब झमेटा है ही नहीं ना, क्योंकि मध्य प्रदेश और कर्नाटका स्टेट में तो गार्जियन NRI चलता है। अगर आपके मार्क्स कम है, देखिए मार्क्स अच्छे हैं तो आप NRI सीट लोगे क्यों, पर कम मार्क्स हैं तो आपके पास बहुत रास्ते हैं, तो काहे को गलत पेपर से सीट लेने की कोशिश भी करना।
पहली बात तो पेपर फेल ही हो जाएगा, और पास भी हो गया तो भी आपके गले में तलवार हमेशा लटकी रहेगी, तो करने की जरूरत क्या है, यही हम सबको समझाते हैं। ठीक, तो ये आपका क्लियर हो गया, आपको सारे ऑर्डर दिखा दिए, ये भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया। ओके, सो ये मैं बस क्लियर करना चाहता था कि किस तरह से काउंसलिंग चलती है और कितने कैसे दिन मिलते हैं आपको, कैसे कैसे आपका स्टेप बाय स्टेप शेड्यूल चलेगा। तो जो अब आपने, और ये एक वेबसाइट है, इस तरीके से हर राज्य की, या जो यूटी सेपरेट है पौंडेचेरी और दिल्ली में, तो खैर आईपी है चंडीगढ़ की, तो वी एज ए गुड कंसल्टेंट और एनी गुड कंसल्टेंट हैज़ टू फॉलो ऑल द 25 वेबसाइट्स एवरी डे। तो ये अगर एमसीसी की है तो ओके, सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।